सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो आप अमेजोन पर रजिस्टर कर चुके हैं और अमेजोन सेलर सेंटर डैशबोर्ड से फेमिलियर भी हो चुके हैं। अब मोस्टली सेलर्स का नेक्स्ट स्टेप होता है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना और उसे सेल करना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को FBA से सेल करना चाहते हैं या FBM से। आजकल काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो अमेजोन FBA से बिजनेस कैसे करें। कुछ लोग डायरेक्टली अमेजोन पर रजिस्टर करने के बाद बाय डिफॉल्ट FBM से सेल कर रहे हैं। तो आखिर ये FBA और FBM है क्या, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, ये बहुत सारे सेलर्स नहीं जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में। हेलो अमेजर्स, वेलकम टू फिफ्थ लेसन ऑफ डिस्कवर अमेजॉन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आपके हिसाब से FBA ज्यादा बेटर है या FBM? मुझे कॉमेंट में लिख कर बताएं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली FBA एंड FBM इज। सो पहला पॉइंट है वेज टू सेल प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली FBA और FBM जो होते हैं ये टोटली दो डिफरेंट मैकेनिज्म है टू सेल योर प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेलर। तो अगर आप FBA प्रोग्राम के अंडर एनरोल हैं तो आपको FBA सेलर के नाम से जाना जाता है, और अगर आप FBM के थ्रू प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं तो आपको FBM सेलर कहते हैं। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट शिपिंग मेथड्स। FBA और FBM के जो शिपिंग मैकेनिज्म है वो टोटली डिफरेंट है। FBA के केस में आपके जो प्रोडक्ट शिप होते हैं वो Amazon करता है, और FBM के केस में जो प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं वो आप खुद पहुंचाते हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस मॉड्यूल। तो पहला पर्पस है सेलिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है या कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, क्या वो FBA है या वो FBM है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेक बिग प्रॉफिट्स। तो ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, बट समहाउ खाली प्रोडक्ट ज्यादा बेचना ही प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है। कभी कभार हमें अपने इंटरनल ओवरहेड्स और इंटरनल लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हम वहां पर भी कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो FBA और FBM दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिनमें अलग अलग जगह अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम फिगर आउट करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी या प्रोसेस बेटर है जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट या पैसों को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन बिकम्स ईजियर। तो FBA और FBM में से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। सो हम सभी चाहते हैं कि वंस अवर बिजनेस गेट एस्टैब्लिश तो हम उसको फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पे या एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे ले जा पाएं। तो उसी के लिए हमें ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए FBM ज्यादा बेटर है या FBA प्रोग्राम ज्यादा बेटर है। फोर्थ पॉइंट है विनिंग द बाय बॉक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम सभी सेलर्स को पता है कि अगर हमारे पास बाय बॉक्स होगा तो वी कैन सेल 86% मोर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू सेलर्स जिनके पास बाय बॉक्स नहीं है। तो हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें बाय बॉक्स ज्यादा से ज्यादा मिले। तो बाय बॉक्स को जीतने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये भी आगे आपको मॉड्यूल में पता चलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं FBA। FBA का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय Amazon, और FBA का मोटो है यू सेल इट वी शिप इट। तो बेसिकली इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द Amazon रेदर देन योर ओन रिसोर्सेज। FBA प्रोग्राम के अंदर सेलर सेंड्स बल्क प्रोडक्ट्स इन Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स फॉर Amazon टू पिक पैक एंड शिप प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। तो इस केस में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप Amazon के वेयर हाउस पे एक साथ सेंड कर देते हैं, और जब भी कभी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो Amazon वो प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप कर देता है कस्टमर तक। तो बेसिकली आप Amazon की सर्विसेज यूज कर रहे हैं अपने ऑर्डर को फुलफिल करने में। उसके अलावा आप एलिजिबल हो जाते हैं प्राइम शिपिंग के लिए। सो वी ऑल नो दैट कि कस्टमर्स Amazon की प्राइम शिपिंग को ऑप्ट करते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट उन तक सेम डे और विद इन वन डे पहुंच जाए। तो जब भी आप FBA प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आप प्राइम शिपिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
सेकंड है अमेजॉन पिक पैक एंड शिप। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब आपके प्रोडक्ट्स अमेजॉन के वेयर हाउस पे पहुंच चुके हैं तो अमेजॉन आपके प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप कर देगा कस्टमर तक, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। थर्ड पॉइंट है अमेजॉन प्रोवाइड्स कस्टमर सर्विस। तो इनकेस अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसके डिलीवरी टाइम से सेटिस्फाई नहीं है या उसके पैकेजिंग से सेटिस्फाई नहीं है, तो इस केस में अमेजॉन खुद कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेगा। जितने भी पेन पॉइंट्स हैं कस्टमर के वो खुद एनालाइज करेगा और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। फोर्थ पॉइंट है अमेज़न स्टोर्स योर प्रोडक्ट इन इट्स वेयरहाउस। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक साथ बल्क में प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयरहाउस पे सेंड करने हैं, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो अमेज़न अपने वेयरहाउस में रख लेगा और जैसे ही अगर ऑर्डर आएगा तो वहीं से कस्टमर को शिप करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हम ये देखेंगे कि आप कैसे अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेलर FBA प्रोग्राम के अंडर एनरोल है या नहीं। सो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, डाबर हनी स्क्वीजी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्लियरली अमेज़न फुलफिल्ड का लोगो लगा हुआ है और साथ में फुलफिल्ड बाय अमेज़न लिखा हुआ है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि जो यहाँ पे सेलर है क्लाउड टेल पुलबंगश, ये FBA प्रोग्राम के अंडर एनरोल है और इस प्रोडक्ट को FBA प्रोग्राम के अंडर सेल कर रहा है। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ FBA। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 100% बाय बॉक्स एलिजिबल। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है उसकी सेल 86% ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सेलर जिनके पास बाय बॉक्स नहीं होता है। तो अगर आप FBA प्रोग्राम के अंडर एनरोल करते हैं तो आपके बाय बॉक्स जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड आप 100% एलिजिबल होते हो बाय बॉक्स के लिए। सेकेंड पॉइंट है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको काफी सेलर्स नहीं जानते हैं, बट अमेज़न ये सर्विस प्रोवाइड करता है अगर आप FBA प्रोग्राम के अंडर एनरोल्ड हैं। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सर्विस में आप अमेज़न के थ्रू तो प्रोडक्ट सेल करते ही हैं, साथ में मान लीजिए आपकी अपनी कोई वेबसाइट है या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है और उससे जो भी ऑर्डर आ रहा है आप अमेज़न वेयर हाउस की FBA प्रोग्राम का यूज करके आप वहां से भी अपना प्रोडक्ट अपने थर्ड पार्टी वेबसाइट या अपनी वेबसाइट पे जो कस्टमर आया है उसको डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी हेल्पफुल फीचर बाय अमेज़न FBA प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट है 99.99% अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉल्ट। तो इनकेस कोई भी डिलीवरी में प्रोसेस में प्रोडक्ट में फॉल्ट आता है या कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उस केस में और आपको कोई इंटरवेंशन भी नहीं करना पड़ेगा कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए। इस पूरे केस को हैंडल करने के लिए अमेज़न खुद अपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है और वो एंड टू एंड ध्यान रखता है कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो पाए। मोर फ्री टाइम टू ग्रो द बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेलिंग बढ़ेगी आपके पास बहुत कम टाइम होगा नया मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को एक साथ अमेज़न के वेयरहाउस में रखवा दें और जब भी ऑर्डर्स आएंगे तो अमेज़न खुद ही उनको फुलफिल करता रहेगा एंड दिस विल गिव यू मच मोर टाइम टू थिंक मोर अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप कर सकते हैं, इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जा सकते हैं और यू कैन सेल ग्लोबली। नेक्स्ट है FBM। FBM का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। द सेलर लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑन Amazon व्हाइल हैंडलिंग स्टोरेज एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट। सिंपल सा मतलब है यू सेल इट यू शिप इट। तो इस केस में आप खुद ही सब कुछ मैनेज करते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप खुद ही वो प्रोडक्ट को पिक करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसको खुद डिलीवर करेंगे कस्टमर तक। इसमें कोई भी प्राइम शिपिंग नहीं होती है कि आप सेम डे डिलीवरी अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप पहुंचा सकते हैं कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस का यूज करके सो इट्स वेल एंड गुड, बट अमेज़न आपको ऐसा कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है यू हैव टू पिक पैक एंड शिप। जैसा कि मैंने बताया कि आपको खुद ही पूरा एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोसेस पैकेजिंग प्रोसेस एंड ऑर्डर मैनेजमेंट संभालना है तो आपको ही पिक पैक और शिप करना होगा प्रोडक्ट कस्टमर तक। थर्ड पॉइंट है यू हैव टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। सो मान लीजिए जब आपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर किया एंड दैट कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और विद द डिलीवरी टाइम और विद द काइंड ऑफ पैकेजिंग यू हैव डन, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी उसके ग्रजेस होंगे वो आपको हैंडल करना है। Amazon विल नॉट इंटरवीन इन बिटवीन। जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको संभालनी है एंड टू एंड। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहे, हैप्पी रहे आपकी सर्विसेज से। फोर्थ पॉइंट है योर वेयर हाउस योर प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली आपको Amazon का कोई भी वेयर हाउस यूज करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यू हैव टू मैनेज योर इन्वेंट्री इन योर वेयर हाउस।
नाउ अब हम चेक करेंगे कि कैसे हमें पता चल सकता है कि कोई सेलर FBM प्रोग्राम के अंदर है या नहीं। तो आई होप आपको याद होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेलर FBA प्रोग्राम के अंदर है। तो FBA प्रोग्राम के अंदर आपने देखा था कि सेलर के प्रोडक्ट पे फुलफिल्ड बाय Amazon और Amazon फुलफिल्ड का लोगो लगा होता है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलर नेम बिल्कुल सेम है, क्लाउडटेल पुलबंगश, लेकिन आपको उसमें Amazon फुलफिल्ड का लोगो और फुलफिल्ड बाय Amazon वाला टेक्स्ट नहीं दिखेगा। सो दिस इज द वे यू कैन डिफरेंशिएट कि सेलर FBA सेलर है या FBM सेलर। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ FBM? FBM का पहला बेनिफिट है मार्जिन्स आर ग्रेट। आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं FBM के थ्रू, रीजन बीइंग कि यू कैन कंट्रोल द मार्जिन्स। क्योंकि अगर आप FBA प्रोग्राम के अंडर रहते हैं तो वहां पे भी आपको स्टोरेज फी देनी पड़ती है, तो वो भी आप फी बचा सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट में से ही जा रहा होगा। मोर कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, तो आपके पास जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपके वेयर हाउस में है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है उस इन्वेंट्री को सेल आउट करने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप खाली Amazon के थ्रू ही अपनी सेलिंग कर रहे हो सकता है आप ऑफलाइन मार्केट में सेल कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी अनदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो। तो आपको पता है कि आपके पास अगर 100 यूनिट्स हैं तो मैं Amazon से अगर मेरी सेल नहीं आ रही है तो मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट या रिटेल में या बल्क में बहुत सारे यूनिट्स एक साथ निकाल सकता हूँ। लेकिन FBA के केस में ये वायबल नहीं है, क्योंकि आपकी 100 यूनिट्स जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर आपने FBA प्रोग्राम के अंडर रख दिए हैं तो डेफिनेटली वो तभी बिकेंगे जब आपके पास ऑर्डर Amazon के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। थर्ड पॉइंट है नो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो एंड ऑफ द मंथ ये होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे आ गए हैं FBA के केस में, क्योंकि वहां पे मंथली स्टोरेज फी लगती है, लॉन्ग टाइम इन्वेंटरी फी लगती है, तो somehow सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में। फाइनली जो फाइनल अमाउंट आपके पास एंड ऑफ द मंथ आता है Amazon सेलर सेंटर डैशबोर्ड में वो कम हो जाता है एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आप बचा सकते हैं FBM में। फोर्थ पॉइंट है इजियर टू मेंटेन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेल एक्टिविटी विद वन इन्वेंट्री। इस केस में जैसा मैंने बताया कि आपके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं या ऑफलाइन बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली एज अ सेलर हम सबका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो किस मीडियम से या किस प्लेटफॉर्म से सेल आउट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हम खुद चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफलाइन भी बिके और ऑनलाइन भी बिके। तो FBM give us much more control over inventory जिसको हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केट्स में सेल आउट कर सकते। तो अब बात करते हैं कि आप अपनी नॉर्मल लिस्टिंग को FBA लिस्टिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने Amazon सेलर सेंटर डैशबोर्ड में लॉग इन लें, उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री सेक्शन पे जाएं। जब मैनेज इन्वेंट्री सेक्शन ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे आपकी सारी लिस्टिंग्स वहां पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जो भी लिस्टिंग आप FBA प्रोग्राम के अंदर एनरोल करवाना चाहते हैं या FBA के थ्रू सेल करना चाहते हैं उस लिस्टिंग को सिलेक्ट करें और एडिट में जाएं, एंड एडिट में जाके वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा चेंज टू फुलफिल्ड बाय Amazon। सिंपली क्लिक ऑन इट एंड उसके बाद Amazon आपसे एक बार फिर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, आप उसको यस करें एंड फाइनली आपकी लिस्टिंग Amazon फुलफिल्ड लिस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लेट्स रिकैप व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस मॉड्यूल। तो सबसे पहले आपने जाना व्हाट इज FBA एंड व्हाट इज FBM। सेकंड हमने जाना हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ प्रोडक्ट इज FBA और FBM। थर्ड पॉइंट है हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इन FBA, एंड फोर्थ बेनिफिट्स ऑफ FBA एंड FBM। डिस्कवर Amazon के इस वीडियो में इतना ही। FBA वर्सेस FBM से रिलेटेड क्विज एक्टिवेट हो चुकी है, सो जस्ट गो एंड टेस्ट योर नॉलेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पेशली फॉर न्यू सेलर्स, Amazon लेट शिपमेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली लेता है, तो अगर आप FBM के थ्रू सेल कर रहे हैं तो कोशिश करें आपका प्रोडक्ट टाइमली कस्टमर तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे Amazon Buy Box एंड इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ डिस्कवर Amazon। टिल देन कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।